My dear students, today I shall teach you past indefinite tense. अब past indefinite tense में पहले आप लोग identification देखेंगे इन वाक्यों के अंत में या ए ई अथवा ता था ती थी ते थे आदि सब आते हैं. ये identification है हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे. तो हिंदी वाक्य अंत में अगर या ए ई या ता था ते थी ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं तो आपको समझ लेना चाहिए. पहले भी बताया गया कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. अब साथ में आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस. अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर सब्जेक्ट वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट. अब इसका एग्जांपल हम आप लोगों को बता रहे हैं. जैसे है या दिया दिया है सोहन ने मेरा खेत नहीं जोता. तो सोहन ने मेरा खेत नहीं जोता तो पहले आप सोहन की लगाएंगे. सोहन प्लोट सारी पहले जो है इसमें देखेंगे सब्जेक्ट. इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ सोहन और वर्ब का सेकेंड फॉर्म. वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लोट. प्लो माने जोतना. प्लो का सेकेंड फॉर्म प्लोट हो गया. इसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया माई फील्ड. करें सोहन ने मेरा खेत जोता. ये हो गया सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस. इसके बाद दूसरा भी ले सकते हैं उन्होंने स्कूल की फीस चुका दी. तो उन्होंने दे और फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाएंगे पेड. दे पे द स्कूल फे करें उन्होंने स्कूल की फीस चुका दी. इसमें सब में जैसे वर्ब का सेकेंड फॉर्म और अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट. और जब निगेटिव लगाएंगे इसकी एक ही एक हेल्पिंग वर्ब है डिड. सब में जो है डिड का प्रयोग किया जाता है. सब कर्ता के साथ डिड का प्रयोग करेंगे और जब निगेटिव बनाएंगे क्योंकि डिड जो है डू का सेकेंड फॉर्म है इसलिए हेल्पिंग वर्ब जब डिड हो जाएगी तो आपकी मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी. अब यहाँ निगेटिव हमने लिखा है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. और जब निगेटिव बनाएंगे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे फिर नॉट. अब हमने बताया था कि अभी वर्ब जो है सेकेंड फॉर्म जब डिड लग जाता तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में हो जाती है. तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यदि ऑब्जेक्ट है तो जैसे इसी को बना सकते हैं सोहन ने मेरा खेत नहीं जोता. तो जब डिड लग जाएगा तो प्लो हो जाएगा सोहन डिड नॉट प्लो माई फील्ड. और दूसरा है राम ने मेरी किताब नहीं चुराई. राम डिड नॉट स्टील माई बुक. स्टोल सेकेंड फॉर्म था अब डिड लग गया तो स्टील हो गया सोहन डिड नॉट स्टील माई बुक. और इसी प्रकार से और भी लगा सकते हैं शीला ने मेज से गिलास नहीं उठाया. शीला डिड नॉट पिक अप अ ग्लास फ्रॉम द टेबल. फिर इसी प्रकार से आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य. तो इसमें सबसे पहले क्या से जो वाक्य शुरू होते हैं उनकी इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से लगाते हैं. जो क्या से शुरू होता है जैसे क्या तुम उसकी सहायता हमेशा करते थे तो डिड यू ऑलवेज हेल्प हिम. करें क्या तुम हमेशा उसकी सहायता करते थे तो क्या लगा है इसलिए इसकी अंग्रेजी पहले डिड लगाएंगे. यहाँ से शुरू करेंगे डिड से इंट्रोगेटिव वर्ड है नहीं तो डिड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट.
तो ज्ञानक क्या तुम उसकी हमेशा सहायता करते थे? डिड यू ऑलवेज हेल्प हिम? अब जो क्वेश्चन मार्क से शुरू होगा जिसमें कब क्यों कहां कैसे आदि वाक्य के बीच में आता है, तो उनके लिए फर्स्ट जो है क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, उनके लिए पहले क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फॉर वन का फर फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसका है जैसे अमन ने पंखे की मरम्मत कब की, तब यहाँ सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगाएंगे, कब की, तो कब की क्या हो जाएगी, वेन, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वेन डिड, चूंकि यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद डिड है, तो वेन डिड अमन रिपेयर द फैन। अब ये जो है क्वेश्चन मार्क में अंक में लगा देंगे तो हो जाएगा वेन डिड अमन रिपेयर द फैन। और दूसरा बात, उन्होंने स्कूल की फीस कब चुका दी, तो या क्यों चुका दी, तो जब होगा उन्होंने स्कूल की फीस क्यों चुका दी, तो हो जाएगा वेन डिड ही पे द स्कूल फी। और सेंटेंस ले सकते हैं जैसे क्या तू सॉरी क्या अधिकारी ने मामले की जांच नहीं की, तो डिड द ऑफिसर नॉट एग्जामिन इनटू दिस मैटर। ठीक, इसी प्रकार से ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अब इसको आप लोग घर पर इसके रूल्स को वर्ड आर्डर को लिखेंगे और दो तीन एग्जाम्पल इसका लिखेंगे, फिर हम शुरू करते हैं दूसरा वाला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, इन वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं, जैसे वह खाएगा, वह सोएगा, वह रोएगा, वह नाचेगा, वह कूदेगा, इस प्रकार से जिनके वाक्य के अंत में गा गे गी आए उसे क्या समझना चाहिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई किनके वाक्यों के अंत में गा गे गी आदि शब्द आते हैं। अब इसका वर्ड आर्डर देखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, वर्ड आर्डर, सब्जेक्ट, विल से। एक बात सुन लीजिए, इसमें जो है आई और इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है विल और सेल है। ठीक, आई वी के साथ सेल और शेष जितने सब्जेक्ट हम के साथ विल का प्रयोग होगा। अब अफर्मेटिव सेंटेंस वर्ड आर्डर में सब्जेक्ट प्लस विल सेल, अगर आई वी है तो सेल लगाएंगे, नहीं तो विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इसका देखेंगे, मैं मेज पर खड़ा रहूंगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आई के साथ चूंकि सेल का प्रयोग होगा इसलिए आई सेल स्टैंड अप ऑन द टेबल, क्या हो गया, आई सेल स्टैंड अप ऑन द टेबल। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे तुम यह कार करोगे, तो तुम चूंकि आई वी के साथ सेल लगता बाकी के साथ नहीं लगता, तो यू विल डू दिस वर्क, तुम यह काम करोगे, यू विल डू दिस वर्क। ठीक, अब आते हैं निगेटिव सेंटेंस पे। निगेटिव सेंटेंस का वर्ड आर्डर सब्जेक्ट प्लस विल सेल, अब विल सेल के बाद क्या लगाएंगे निगेटिव में, नॉट, फिर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये निगेटिव सेंटेंस का वर्ड आर्डर है। अब इसके अकॉर्डिंग जैसे आपका मैं मेज पर नहीं खड़ा हूंगा, तो यहाँ सेल के बाद नॉट लग जाएगा, यहाँ विल सेल के बाद नॉट दिया ना, तो आई सेल नॉट स्टैंड अप ऑन द टेबल। तो फिर देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में समझेंगे कि जो वाक्य
क्या से शुरू होंगे? इसे इसको मैं कह रहा क्या मैं मेज पर खड़ा रहूंगा, तो जो क्या से करेंगे इसका जो है हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। अगर आई भी है तो सैल को आगे करेंगे और अदर सब्जेक्ट है तो विल को आगे करेंगे। विल सैल को आगे करके वाक्य को बनाएंगे। और अगर फिर जो है निगेटिव है तो करें कि और अगर कब क्यों कहां कैसे ये शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी जो है पहले इंट्रोगेटिव वर्ड लगा के बनाएंगे। जिसे हम लिखा ना इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस विल सैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट पार्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क भी लगाना नेसेसरी है। तो इसी वाक्य को हम कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या मैं मेज पर खड़ा हूंगा, क्या मैं मेज पर खड़ा हूंगा। यहां क्वेश्चन मार्क हो जाएगा तो हो जाएगा साइल आई स्टैंड ऑन द टेबल। आई स्टैंड ऑन द टेबल ये क्या से है? अगर क्वेश्चन मार्क ये जो है क्वेश्चन मार्क वाला शब्द बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी जैसे क्या से वे होटल का किराया कब चुकाएंगे? वे होटल का किराया कब चुकाएंगे? अब यहां पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसा वाक्य है। अब ये इंट्रोगेटिव तो है लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड देखिए यहां है कब, तो पहले हम किसकी अंग्रेजी लिखेंगे? कब की। पहले हम कब लिखेंगे और इसके बाद जो है अंत में उसको उस हिसाब से फिर वेन लिखेंगे, फिर विल सैल में से एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसको लिख रहे हैं वेन वे है तो विल का प्रयोग होगा, वेन विल दे पे पे द होटल रेंट। अब यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, व्हेन विल दे पे द होटल रेंट करें कि अब ये हो गया वे होटल का किराया कब चुकाएंगे। और इस प्रकार से अदर सेंटेंस भी हो सकते हैं, क्या मैं मेज पर खड़ा हूंगा तो सैल आई स्टैंड ऑन द टेबल। और भी वाक्य आप लोग चाहें तो क्या शेर हिरन के पीछे दौड़ेगा, विल द लायन रन आफ्टर द डियर। तो इस प्रकार से कुछ वाक्य हम जो है आपको दे रहे हैं इसको बनाएंगे। तीन वाक्य हम दे रहे हैं, इससे 12 वाक्य बनाएंगे।
तुम उसकी हमेशा गिलास ने मेज से गिलास उठाया। उठाया।